दिया। अब देखिए ये जो बनी है किन्नौरी दुल्हन लाड़ी किन्नौरी, तो इनके हिसाब से मैं आपको गहने बताती, ठीक है। ये जो आया सामने ये तो शंगलिंग में आ जाता है, ये देखिए शंगलिंग का ये जो हिस्सा है ना ये यहाँ छल्ली में इस तरह आएगा, ठीक है। तो फिर बाकी का जो हिस्सा है अब आपको दिखाते, स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से करते, इसको क्या बोलते हैं, फूल मुलू में तो मुलू, हाँ जी ये देखिए साइड में लगी ये है मुलू, आप इस के माध्यम से देख सकते ये ऐसे ये फंसाने का अभी बनानी है, इसको बना देंगे। तो ये यहाँ पे ऐसे जो ये टोपी होता है इसके अंदर एक और एक काला टोपी बना जाता है छोटा जैसा, उस टोपी में ये फंसेगा यूं, इसको बोलते हैं मुलू। हाँ जी। और इसके बाद का ये है फैज़ो बोलते हैं शायद इसको, किन्नौरी में ये है फैज़ो मांग टीका आप बोल सकते हैं, किन्नौरी मांग टीका एक हिसाब से। ये देखिए ये जब यूं आ जाता है ना तो पूरी दुल्हन मतलब आपका फेस नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पहचान में आ सकते हो आप, और आपको भी थोड़ा देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, देखिए मुझे कम कम दिख रहा है बाहर, तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ एक फ़ोटो भी ले लीजिए साइड से, हमारे प्यारे से कैमरा मैन को बोल रही हूँ। ये देखिए एक मिनट इसको ऐसे करके, चलिए ये हो गया। और इसके बाद पीछे भी लगते हैं, हाँ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आगे ही पहनेंगे, पीछे भी क्योंकि पीछे से भी देखेंगे तो सुंदर लगने चाहिए ना, तो ये ऐसे मतलब कि पीछे ये अभी तो मेरे बाल है, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा पीछे, ऐसा काफी सुंदर दिखता है। और ये इसमें भी फर्क है फ्रेंड्स, इसमें भी सोना जैसे ये बीच में सोना लगा है, पूरा चांदी का भी बन सकता है और पूरा सोने का भी बना है, पूरे सोने का बनता है ना, सोने का भी सोने का आएगा, अच्छा पीछे वाला नहीं बनेगा, आगे वाला सोने का बनेगा, महंगा होगा। मतलब ये खाली कितने का पड़ेगा अगर मैं खाली सिर्फ ये ले, फिर खाली ये ले, हाँ ये देखिए कितना सुंदर है, और ये कितना झूमर सा लग रहा है ना इसको, जैसे ऊपर लगाएंगे झूमर कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन झूमर नहीं है ये, लगता है जो बालों में जुटी होता है उसमें ऐसे मतलब कि बालों में बालों के पीछे ऐसे लगता है। ये कितने का पड़ेगा, 25-30 हज़ार का। और सोने का बनाएंगे तो, सोने का बनाएंगे तो फिर ज्यादा पड़ेगा, सोने का वैसे पूरा नहीं बनते, ये इसमें पत्तियां लगा देते हैं, अच्छा पत्ती कोई कोई लगाते हैं, अच्छा, कोई कोई नहीं लगाते हैं, मतलब अपने हिसाब से अपने हिसाब से, अच्छा ज्यादातर चांदी का ही बनाते हैं। तो ये जो ऊपर के गहने हैं टोटल में ये देखिए, ये जुटी भी हटा दीजिए, ये आगे के फैज़ और इसको ये और ये मुलू, ये कितने का पड़ेगा टोटल खाली ये अलग मतलब इसके साथ में, इसका देखते हैं क्या पड़ेगा। और सुंदर देखिए कितना है, बिल्कुल आंखों में लग रहा है, ये देखते हैं ये तीन ना, ये तीन, हाँ जी ये तीन, ये पड़ेंगे 55,000 के आसपास, 55,000 के आसपास अगर तीन हो, हाँ जी। और अगर ये सोने का होने लगा तो, सोने का तो फिर और लगेंगे, मतलब कि एक डेढ़ लाख मतलब कि क्वालिटी के हिसाब से। और ये देखिए ना, ये इसका भी साइज होता होगा मेरे हिसाब से, ये तो है ठीक ही साइज, ये बड़ा भी थोड़ा सा बड़ा भी होता है, इसका ये भी थोड़ा बड़ा होगा जिससे दिखने में आएगा, ऐसा भी बन सकता है ना, ये वेट के साथ, वेट के साथ बनता है। ये देखिए जुटी कितना, ये सच में झूमर लग रहा है वाकई में, अगर ऐसा झूमर बनता हो तो चांदी का झूमर तो कितना सुंदर लगेगा थोड़ा बड़े स्टाइल में। और ये जुटी का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, मैंने अक्सर सिंपल जुटी देखा है, कुछ स्टाइलिश बनाया है ऐसा लग रहा है, ये नया फैशन आया आजकल, पहले तो सिंपल होता था, एक ही होता था ना, पहले क्या होता था फ्रेंड्स, ये सिर्फ ये होता था खाली ये ऊपर वाला, और अब देखिए इसमें कितना सुंदर एक्सपेरिमेंट किया है, ये तीन अलग से बनाए हैं। तो ये डिजाइनों में भी अगर कोई इंसान बोले कहीं से देखकर आए कि मुझे वैसा ही डिजाइन चाहिए तो उसमें आप बना सकते हैं, पूरा ही गहने बता दे कि इस डिजाइन में चाहिए, जी जी बना भी बना बन जाएगा बना। और इसके अलावा कुछ है अलग चीज़ें जो ये पहनते हैं इसके बाद से हमारा, अच्छा चांदी हाँ चंद्रहार, फ्रेंड्स चंद्रहार के बिना तो सुंदर ही नहीं लगेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और चंद्रहार आपको ना हर वीडियो में अलग अलग दिखेगा, कोई आपको अलग दिखाएंगे कुछ अलग दिखाएंगे, और ये लोकल चंद्रहार हमारा बनाया, प्रॉपर लोकल डिजाइन का है। ये देखिए ये बोल रहे हैं कि ये लोकल चंद्रहार है, हाँ जी वाओ सच में, ये देखिए आप इसकी सुंदरता देखिए,
मैं आपको एक चीज पूछूं, ये चांद का डिजाइन बहुत फेमस है किन्नौरी कल्चर में, तो पहले से ये चला पहले जमाने से चला जमाने सूर्य और चांद हमारा मैच लगता। अच्छा, हमारा मतलब कि मानते हैं इसमें सूरज और चांद, सूरज का डिजाइन के हिसाब से ये तो चांद ही बने हैं, सूरज और चांद का डिजाइन ये इसका मतलब ये आगे ना ये सूरज। अच्छा हाँ, ये चांद आ गया। अच्छा ये चांद आ गया और ये सूरज आ गया। अच्छा ये प्रॉपर किन्नौरी का नाम। मैंने एक चंद्रहार देखा है, वो सिंपल होता है जैसे गद्दी कल्चर में देखा है मैंने वो चंद्रहार, और क्या बोलते हैं जैसे वाला उसका रेट वाला क्या होता होगा, वो किलो किलो में बनते हैं, एक किलो आधा किलो। अच्छा ये हमारा तो ये इसका क्या होगा, 65 किलो ये 65,000 के लगभग बना है, और इसको भी आप छोटे इसी को छोटे आकार अपने बजट के हिसाब से छोटा बड़ा तो ऐसा है कि कोई भी गहना हो जाता है। और इसके अलावा हाथ में पहनेंगे। अच्छा ये भी है, ये हमारे किन्नौर कल्चर में कुंता ही है, लेकिन ये जो नीचे वाला किन्नौर है इसमें देखना आप, इसमें भी पहना है, कई लोग नहीं पहनते हैं, कई लोग नहीं भी पहनते, इतना कंपल्सरी नहीं माना जाता है कुंता ही, तो ये मुलु के साथ ये जब पहनने लगेंगे तो दूसरा वाला भी देना। तो ये जब पहनेंगे ना तो ये ऐसे दिखेगा आपको, दिखा ये तरफ भी ऐसा दिखेगा। एक चलिए, तो ये कुंता ही अलग से कितने का पड़ेगा, कुंता ही 30-35 के बीच पड़ेगा। अच्छा 30-35 में, इससे कम रेट हो, ये हमारा लोकल डिजाइन है, ये लोकल डिजाइन है, इससे कम हो सकता है, कम हो सकते हैं। ये 13 के बना हुआ है, 22 के भी बनते हैं, अच्छा 11 का भी बनते हैं, 9 का भी बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। डागलो दिख रहा है, डागलो ही बोलते हैं ना ये, हमारे किन्नौरी में एक गाना है डागलो के ऊपर, तो ऐसे गाने हमारे यहाँ बनते रहते हैं, दुल्हन को पहनाते हैं ये हाथ में, और भारी इतने है ना, बहुत भारी है ये सच में, देखिए कितना वेट है इसका ना, और ये देखिए इसमें भी स्टाइल भी अलग अलग बनता होगा, वैसे मेन तो यही बनता है ना। हमारे किन्नौर में मैंने एक चीज देखा दोस्तों ना, मंदिरों में भी कुछ इस तरह के जो शेर वाले ये बनते हैं, और ये देखिए कड़े में भी डिजाइन देखिए आप, इसमें क्या है, क्या बनाए ये सिंगे बोलते हैं, सिंगे बनाए, और ये मंदिरों में भी बनता है ना, मंदिरों में भी बनता है, और देखिए गहनों में भी ये देखिए ये शेर बना हुआ है, ये दूसरे वाले में शेर है, ये शेर मुंह बनते, शेर मुंह देखिए ये वाला, और ध्यान से देखिए डिजाइन देखिए इसका, सच में कितना सुंदर लगेगा हाथ में, जब पहनते हैं ना तो इसको कस देते हैं, ये अभी ऐसा है, यहाँ से ऐसे को पहन के फिर ये यहाँ से कस देंगे, इतना जान चाहिए कसने के लिए, तो ये ऐसे है। इसका रेट क्या होगा, खाली 17,000 किन्नौरी कड़े भी बोल सकते हैं, 70,000 ये फ्रेंड्स 70,000-75,000 की कड़ी, इसमें भी बार कम हो सकता है, इसका भी बार कम हो सकता है, कम हो के भी जब 70,000-75,000 की चीज है तो 35-50 ही होगा, कम हो के भी ये है इसका ये टोटल। इसके अलावा भी यहाँ पे आप सभी को डिमांड पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि अंगूठी, अब गौ का भी तो नंबर आएगा, तो गौ अब मैं आपको दिखाती हूँ, गौ बन रहे, जैसे आंटी बोल रहे बोलो बोल रहे थे ना, ये बन रहे अभी, बन रहे ये बन के तैयार है। अच्छा तो आंटी बोल रहे कि ये बन के बनना है, मतलब अभी देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, और ये बन के तैयार हो चुके हैं, तैयार होने का देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वैसे सुंदर ये भी लग रहा है, बस इसमें एक चमक नहीं है, हाँ जी, तो इसलिए ये लग रहा है पुराना, और इसको पहना जाता है खाताक्स में, ये कमर में बांधा जाता है ना, हाँ कमर में, लेकिन हमारे किन्नौर में इसको गले से भी पहनते हैं, जो गले से पहनते हैं उसमें चेन लगता है, चेन लगता है उसमें, और जो यहाँ से पहनेंगे उसको आप धागे में भी बांध सकते हैं, जो खतक्स होता है किन्नौरी जो गले में पहना जाता है, अलग अलग कलर का होता है, व्हाइट पीला बहुत सारे कलर में होता है, तो वो भी उसमें आप इसको पहन सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बचा है आपको किन्नौरी जेवर में, अच्छा इसके अलावा आजकल हमारे किन्नौर में एक ट्रेंड है ये गले में भी मंगलसूत्र की टी, तो यहाँ पे है कुछ आप मंगलसूत्र वगैरह बनाते ऑन डिमांड पे, मतलब ऐसे बना के पहले नहीं रखते क्योंकि नहीं भी बिक सकता है। अच्छा तो ये की का भी बड़ा फैशन आ रहा है, ये भी बनाते हैं आप लोग, इसके कुछ डिजाइन है आपके पास, डिजाइन हम बुक में दिखाते हैं, बाकी सब ऑन डिमांड अभी दिखाएंगे आपको, बुक है ऐसा, हाँ जी बुक तो सब कुछ है, आप देखिए आप खुद भी अपना डिजाइन ला सकते हैं, हमने बुक में ही देख के बनाना है, खासकर आजकल हमारे किन्नौर में एक किटी का बड़ा ट्रेंड है ना, किटी और मंगलसूत्र का, और मंगलसूत्र काफी बड़ा साइज वाला पहनते हैं, जो की किन्नौरी भारी चलते है ना जी, यहाँ देखिए यहाँ आइए मंगलसूत्र के डिजाइन दिखाती हूँ आपको, बुक दिखा दे जैसा ही आपको अच्छा लगेगा आप वैसा पसंद कर सकते हो, यहाँ देखिए वाओ ये देखिए
इतने सारे डिजाइन है, मैं आपको क्या बताऊं, आपको जैसा अच्छा लगा आप उस डिजाइन में यहाँ पे बनवा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाओ झुमके देखिए, आपको जरूरी नहीं है ऐसे बनाना, आप ये देखिए जरा डिजाइन देखिए इसमें। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है दोस्तों, लेकिन बाकी कोशिश तो ये पूरा किनारी, मतलब ये बोल सकती हूँ यहाँ पे ज्यादा मेन किनारी है, है 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 यहाँ है, ये है ना नीचे, ये देखिए कीटी के भी ज्यादातर नीचे के जो ऐसे होते ना, ऊपर तो चेन ही लगना है ठीक है खाली, तो नीचे के ये बनते हैं ऐसे 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 डिजाइन देखिए। वाओ ये ये देख सकते हो आप, ये कड़े यहाँ पे कुछ ऐसे है डिजाइन, ये दिखा दिया मैंने आपको, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अभी इसके अलावा भी अगर रिंग सेरेमनी वगैरह आजकल तो बहुत ट्रेंड पे चला है किन्नौर में, तो यहाँ पे आपको रिंग्स भी मिल जाएंगे। अच्छा किन्नौरी कड़े, आजकल हमारे यहाँ पे ना जो गर्ल्स होते हैं कोई भी पहन सकते हैं, शॉप के तौर पे आप ये कड़े पहन सकते हो जो कि काफी सुंदर दिखेंगे हाथ में आप। वैसे अगर कुछ पहनते हो ऐसे आर्टिफिशियल तो उससे अच्छा ये किसका, ये 4,000 के आसपास। देखिए इतना, अगर मैं, मेरे कोई फ्रेंड है बाहर के है, उनको लगेगा ये सब चीजें तो हमारे कुछ किसी मतलब के नहीं है, आपको जरूर इससे जानकारी भी मिलेगी। और साथ में अगर आप किन्नौर आते हो ठीक है, रिकॉम भी आते हो, यहाँ से कुछ अच्छी चीजें कुछ यादें किन्नौर के लिए जाना चाहते हो तो ऐसी चीजें ले जाइए। 4,000 है, ये आपकी बचत की चीज है, इससे कम 4,000 से कम कर तो बन सकता है, आप 4,000 से कम का भी बनवा दीजिए। जैसे लाइक ये देखिए कि कई लड़कियों को शौक होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोज पिन, ये नोज पिन का बहुत लड़कियों को शौक रहता है, कान के लिए बहुत शौक रहता है, तो आप सोने का पहनिए इस तरह, यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा, सिंपल भी बन जाएगा। वैसे ये नोज पिन तो शिमला से लिया है मैंने, तो देखिए यहाँ पे गऊ का एक और एक भी स्टाइल है, ये देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क होता है पर सुंदर ज्यादा ये लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा बहुत मेहनत है जी, इसमें तार पत्ती से बनाना पड़ता है, पूरा तारों से डिजाइनिंग तैयार करना पड़ता है इसको। ये है हमारा लोकल डिजाइन लिखा है, मोटाई है ना ये, मोटाई वर्क है इसमें, और ये बहुत ये तार में बना है, और सुंदर देखिए ना दोस्तों, देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, इसमें फर्क कितना लग रहा है, इसमें थोड़ा मोटाई, इसमें थोड़ा पतलाई, ये भी अच्छा है। और बच्चों के भी कड़े होते हैं ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जब क्या बोलते हैं, जब बच्चे होते हैं संक्षिप्त क्या बोलते हैं, जब बच्चे होते हैं ना हमारे यहाँ पे, बच्चों को देखने जाते हैं, मतलब जब किसी के यहाँ बेटा बेटी कुछ भी होते हैं तो उनको ना गिफ्ट्स लेके जाते हैं हमारे यहाँ पे, गले में भी लेके जाते हैं, कान के लिए भी, मतलब जैसा आपको ठीक लगे वो लेके जाते हैं। और ये कड़े देखिए छोटे बच्चों के, देखिए कितने प्यारे, आप अपने बच्चों के लिए भी लेके जा सकते हो, और शुभ भी मानते हैं बच्चों को ये चांदी की चीजें पहनाना छोटे बच्चों को, तो आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे आपके कोई रिश्तेदार है या आपके यहाँ ही कोई बच्चे हैं, तो आप ये गिफ्ट भी किन्नौर से लेके जा सकते हैं। मतलब बाल कान के लिए छोटे मोटे चीजें हो गए, हाथ के लिए हो गए, ये तो आप फ्रेंड्स आप लोग भी किन्नौरी कल्चर का कुछ चीजें यहाँ से अगर घूमने आते हैं तो लेके जा सकते हैं। आज मैंने आप सभी को पूरा किन्नौरी जो रोपा से लेकर चौरा तक का जो हमारा ड्रेसअप है वो दिखा दिया फ्रेंड्स, और अगले किसी वीडियो में मैं आप सभी को जो अपर किन्नौर जो ड्रेस है सुमरा से लेकर जो रोपा तक पहना जाता है वो जो नीचे वाला ड्रेस है वो दिखाऊंगी, बिकॉज वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखा देती, लेकिन आंटी बोल रहे कि ऑन डिमांड बना था और वो पिछले कल ही वो देकर आ गए ना, पिछले कल आंटी दे दिया, वो आंटी देकर आए हैं, तो फिर कभी मैं बोल रही हूँ कि बनाएंगे तो जरूर आप सभी को मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स आज आप सभी ने मेरे साथ किन्नौरी ऑर्नामेंट्स देखे, और जो किन्नौर की जो दुल्हन होती है, चाहे किन्नौर की जो लड़कियां होते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है हमारा, उसके साथ जो ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं वो आज आप सभी ने इस वीडियो में देखा, तो पीछे ये बोर्ड ये सब भी मैंने आप सभी को आज दिखा दिया। इसके अलावा अगर आप इस ज्वेलर्स शॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल दूंगी, फ़ोन नंबर और अता पता इस जगह का, तो आप ज़रूर वहां से देख करके यहां आना। और अगर मेरे कोई बाहर के फ्रेंड्स हैं जो किन्नौर के नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, तो आप सभी को भी आज एक जानकारी मिल गई कि कितने प्राइस में ये सब चीज़ें मिलता है, कितना इसका कॉस्ट है और कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है। तो इसके अलावा जो बाहर के फ्रेंड्स हैं आप सभी के लिए भी मैंने चीज़ें दिखा दी आप सभी के बजट के हिसाब से। मान लीजिए आप किन्नौर आते हैं और किन्नौर घूम रहे हो और किन्नौर की कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से लेकर जाना चाहते हो, तो आप सभी लेके जा सकते हो कड़े, कान के लिए झुमके, और झुमकों का आप स्टाइल देख कर आ सकते हो, जो बाहर के स्टाइल होते हैं उसको आप यहाँ किन्नौरी स्टाइल में बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ देख लेना, वीडियोज़ को शुरू से लास्ट तक देखा करो। अगर मेरे वीडियोज़
पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जो जितने भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही मेरे जीवन के नए किसी अगले हिस्से में, नए किसी किस्से में। तब तक के लिए बाय बाय।